नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। आज नीतीश कुमार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर मुहर लग गई है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर से नीतीश कुमार ही बिहार की जनता की सेवा करने वाले हैं। आपको बता दें, नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। आज वो सीएम के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। बिहार में नीतीश कुमार को एनडीए के नेता के रूप में चुन लिया गया है, जिसकी आधिकारिक घोषणा राजनाथ सिंह ने कर दी है। कुछ मंत्री भी उनके साथ शपथ लेंगे। इसके साथ ही राजभवन की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। वहीं नीतीश कुमार ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में हुई एनडीए विधायक दल की बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री बनने की मेरी इच्छा नहीं थी। हम चाहते थे कि भाजपा का कोई नेता मुख्यमंत्री बने, लेकिन भाजपा नेताओं और घटक दलों के आग्रह पर वो राजी हुए हैं। उप मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान होंगी रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद। बिहार में नई सरकार का गठन होने जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री पद का चेहरा तो नीतीश कुमार है ही, मगर उप मुख्यमंत्री के चेहरे में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद को दी गई है। जिसके बाद नीतीश कुमार आज 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की, तो वहीं उप मुख्यमंत्री के तौर पर तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी शपथ लेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, रविवार को एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में ही दोनों का चयन भाजपा विधानमंडल दल के नेता और उपनेता के तौर पर करवाया गया है। इसके साथ ही आज राज्यपाल फागू चौहान इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। लगभग 4:30 बजे राजभवन के राजेंद्र मंडप में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करवाई गई है। नई सरकार में इन 13 मंत्रियों को नहीं मिली जगह। आज नई सरकार का गठन होने वाला है। हालांकि आज नीतीश मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार नवगठित सरकार में पिछले 13 मंत्रियों को जगह नहीं दी गई है। सबसे पहले पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी इस बार बिहार सरकार में शामिल नहीं किए गए हैं। वहीं जदयू के 2 कपिल देव कामत और भाजपा के विनोद कुमार सिंह दिवंगत हो चुके हैं, जबकि शेष 10 चुनाव हार गए हैं, जिनमें जदयू के 8 और भाजपा के 2 मंत्री के नाम शामिल है। भाजपा के सुरेश शर्मा और ब्रजकिशोर बिंद, वहीं जदयू के कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, जय कुमार सिंह, शैलेंद्र कुमार, लक्ष्मेश्वर रॉय, संतोष निराला, खुर्शीद और फिरोज अहमद, रमेश ऋषिदेव, रामसेवक सिंह को बिहार विधानसभा चुनाव में हार मिली है। शपथ ग्रहण समारोह में नहीं शामिल होंगे तेजस्वी। बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार आज 7वीं बार शपथ लेने वाले हैं, जिसके बाद आज शाम लगभग 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होने वाले हैं। राजद की तरफ से आई जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं। हालांकि अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि तेजस्वी यादव शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा क्यों नहीं बनेंगे, लेकिन यह बात लगभग तय है कि तेजस्वी इस आयोजन से दूर रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के अन्य नेताओं को भी आमंत्रण दिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे अमित शाह और जेपी नड्डा। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद आज सरकार गठन की बारी है, जिसके तहत आज मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार एक बार फिर से कुर्सी संभालने जा रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री पद के भी 2 दावेदार आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं, जिसका हिस्सा बनने गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंच चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत सहयोगी दलों के लगभग 6 विधायकों के शपथ ग्रहण में अमित शाह और जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, जिसके बाद शपथ ग्रहण समारोह शाम 4:30 बजे के लगभग करवाया जाएगा। छठ पूजा के लिए जारी हुई जरूरी गाइडलाइन। कोविड-19 के माहौल में आस्था के इस महापर्व को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारी लगातार जारी है। बिहार सरकार की तरफ से रविवार को छठ पूजा को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सरकार की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार अर्घ्य देने के दौरान तालाब में डुबकी नहीं लगाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही छठ घाट पर इस तरीके से बैरिकेडिंग की जाए कि छठ करने वाले लोग डुबकी ना लगा सके। वहीं छठ के दौरान बुखार से ग्रस्त व्यक्ति, 60 साल से ऊपर के व्यक्ति, 10 साल से कम उम्र के लोग और अन्य गंभीर बीमारियों से परस्त व्यक्तियों को छठ घाटों पर नहीं जाने की सलाह दी गई है। हाजीपुर और पटना के बीच पीपा पुल से परिचालन हुआ शुरू। पूर्वी लेन को काटकर रास्ता बनाने का काम शुरू हो गया है, जिसके बाद महात्मा गांधी सेतु की पूर्वी लेन पर वाहनों का परिचालन पूरी तरह से रविवार से बंद कर दिया गया है, जिसके बाद पटना से वैशाली और उत्तर बिहार के जिलों की ओर आने जाने वाले बड़े वाहनों का परिचालन गांधी सेतु के नवनिर्मित पश्चिमी लेन से आरंभ हो गया है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत छोटे वाहनों के पटना से हाजीपुर परिचालन के लिए भद्रघाट में निर्मित पीपा पुल पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है। सेतु प्रमंडल गुलजारबाग के कार्यपालक अभियंता वीरेंद्र कुमार ने बताया कि गांधी सेतु के पूर्वी लेन को काटकर इसके निर्माण का कार्य हाजीपुर स्थित पाया संख्या 1 से आरंभ किया गया है।
उन्होंने बताया कि इस लेन का निर्माण कार्य पूरा होने तक गांधी सेतु के पश्चिमी लेन से बड़े वाहनों की आवाजाही पटना से हाजीपुर के लिए होगी। इस लेन पर वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। चिराग को कैबिनेट में शामिल करने के फैसले पर बोले अश्विनी चौबे, बिहार में सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब दिल्ली में भी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, जिसके बाद अब चिराग को कैबिनेट में शामिल करने पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं इन सभी सवालों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ना बिहार में घाटे का सौदा रहा। अगर बिहार में चिराग पासवान की लोजपा एनडीए के साथ चुनाव लड़ती तो यहां हमें 2/3 बहुमत मिलता, लेकिन हकीकत यह है कि चिराग पासवान के अलग लड़ने से स्थितियां बदल गई। वहीं चिराग को कैबिनेट में शामिल करने की बात पर उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, पीएम मोदी जिसे चाहेंगे वो केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होंगे, लेकिन उनकी व्यक्तिगत राय यह है कि जो भूल हो चुकी है उसे सुधारने की जरूरत है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे चित्रगुप्त की। चित्रगुप्त का जन्म आज ही के दिन बिहार के गोपालगंज जिले में साल 1917 को हुआ था। चित्रगुप्त श्रीवास्तव, जिन्हें चित्रगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी सिनेमा और भोजपुरी सिनेमा में एक भारतीय फिल्म संगीत निर्देशक थे। चित्रगुप्त ने 1946 से 1998 तक फैली 150 फिल्मों के लिए संगीत की रचना की थी। झारखंड से बिहार जाने के लिए कई पूजा स्पेशल ट्रेन हुई जारी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आप झारखंड में हैं और महापर्व छठ में अपने गांव जाना चाहते हैं तो ट्रेन का सफर कर आप बिहार आ सकते हैं और सपरिवार छठ मना सकते हैं। महापर्व छठ की पूजा 20 और 21 नवंबर को है। फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में 17 और 18 नवंबर को वेटिंग चल रही है, जबकि 19 नवंबर को कुछ सीटें खाली है। आप जल्द बुकिंग करा सकते हैं। ट्रेन संख्या 02364 रांची पटना फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, ट्रेन संख्या 08624 हटिया इस्लामपुर स्पेशल ट्रेन, दुर्ग पटना स्पेशल ट्रेन नंबर 08891, ट्रेन संख्या 08626 हटिया पूर्णिया कोर्ट स्पेशल ट्रेन में सीटें खाली हैं, जिसमें आप आसानी से बुकिंग करवा सकते हैं। अमरेंद्र प्रताप सिंह को स्पीकर बनाने पर विचार विमर्श शुरू। आज बिहार में नई सरकार का गठन होना है। वहीं इसी बीच भाजपा के अमरेंद्र प्रताप सिंह विधानसभा के नए अध्यक्ष बनाने की खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा का अध्यक्ष पद भाजपा के खाते में चला गया है। वहीं निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी नीतीश सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक विजय कुमार चौधरी नीतीश मंत्रिमंडल में शपथ लेने वाले हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष का पद अब भाजपा के खाते में चला गया है। जानकारी के अनुसार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को लेकर दोनों दलों में जिच फंसी हुई थी। संख्याबल के हिसाब से भाजपा ने इस पद के लिए दावा कर दिया था, जबकि जदयू पिछली सरकार की तरह इस पद को अपने पास रखना चाहती है। जदयू का तर्क था कि विधान परिषद के कार्यकारी सभापति भाजपा के ही हैं, जबकि उस हाउस में जदयू के भाजपा से अधिक सदस्य हैं। भाई बहनों का पवित्र त्यौहार भैया दूज आज भाई बहनों का पवित्र त्यौहार भैया दूज आज मनाया गया। आज के दिन 9:11 के बाद बहनों ने श्रापण की परंपरा का निर्वहन भी किया। आपको बता दें, आज के दिन बहन के घर कर उनके हाथ का बना हुआ भोजन करने और उन्हें यथाशक्ति दान देने से भाइयों को फल की कामना होती है। आज के दिन भाइयों को श्रापने की प्रथा है और इस दौरान ही बहनें अपने जिह्वा पर रेंगनी के कांटों को चुभाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन बहन का श्राप भाइयों के लिए आशीर्वाद होता है। आज सभी बहनें अपने भाइयों के लिए व्रत रखती है और भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनके लंबे आयु की कामना करती है। हार के बाद राजद ने कांग्रेस पर कसा तंज। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद अब सरकार गठन की तैयारी हो रही है। इसी बीच विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, जहां सभी दल आत्मचिंतन करने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में अब राजद ने भी कांग्रेस को निशाने पर लिया है, जिसके तहत राजद की तरफ से वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने बिहार विधानसभा चुनाव में करीबी लड़ाई में मिली हार का ठीकरा राहुल गांधी और कांग्रेस पर फोड़ा है, जहां उन्होंने कहा कि जब बिहार में चुनाव अपने पूरे शबाब पर था तब राहुल गांधी शिमला में प्रियंका गांधी के फार्म हाउस पर पिकनिक मना रहे थे। बिहार चुनाव में प्रियंका गांधी ने कोई रैली नहीं की और ऐसे लोगों को प्रचार के लिए भेजा गया जिन्हें यहां के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो चुनाव परिणाम का ऐसा हश्र होना ही था। गोविंदा के कारण कृष्णा ने किया कपिल शर्मा के शो में परफॉर्म करने से इनकार। कृष्णा अभिषेक और उनके मामा गोविंदा के बीच शुरू हुए खटास को 1 साल पूरे हो चुके हैं और यही कारण है कि कृष्णा अभिषेक ने हाल ही में कपिल शर्मा शो के एक एपिसोड में परफॉर्म करने से इनकार कर दिया था, जिस एपिसोड में उनके मामा गोविंदा आने वाले थे, जिसको लेकर कृष्णा ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि मुझे करीब 10 दिन पहले पता चला कि चीची मामा शो पर आ रहे। सुनीता मामी
स्वामी क्योंकि उनके साथ नहीं आ रही है। टीम को लगा कि मुझे परफॉर्म करने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन पिछले कुछ वाक्यों ने मेरे अंदर खटास छोड़ दी है। पिछले साल 2019 में सुनीता मामी नहीं चाहती थी कि मैं परफॉर्म करूं, इसलिए इस बार मैंने खुद शो में परफॉर्म न करने का फैसला लिया है। आकाश चोपड़ा ने किंग्स इलेवन पंजाब के 3 खिलाड़ियों को रिलीज करने की कही बात। पूर्व बल्लेबाज और हिंदी कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने पंजाब को ऑक्शन से पहले 3 खिलाड़ियों को रिलीज करने की बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पंजाब की टीम को आईपीएल 2021 से पहले तेज गेंदबाज शेल्डन कॉटरेल, हार्ड्स विल्सन और ग्लेन मैक्सवेल को रिलीज कर देना चाहिए। इन तीनों विदेशी खिलाड़ियों को छोड़ने का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि मैक्सवेल की खराब फॉर्म एक बड़ी समस्या है, विदेशी गेंदबाज एक और समस्या है। कॉटरेल खेल रहे हैं और फिर नहीं खेल रहे हैं, ठीक ऐसा ही निशम और जॉर्डन भी कर रहे हैं, इसलिए अंदर बाहर जाने का रास्ता लगातार खुला हुआ है। पंजाब को शेल्डन कॉटरेल को छोड़ देना चाहिए, उनको हार्ड्स विल्सन को भी छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो उनको खिला नहीं रहे हैं, और उनको मैक्सवेल को भी रिलीज कर देना चाहिए। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार उप मुख्यमंत्री के पद से सुशील मोदी को हटाने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।